दिवाली के समीप आते ही रिज मैदान पर 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का आयोजन किया गया है। नाबार्ड द्वारा 14 से 18 तक आयोजित इस मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। मेले का उद्घाटन निदेशक बागवानी आर के परूथी ने किया। इस अवसर पर निदेशक बागवानी आर के परूथी ने कहा कि दीपावली उत्सव में नाबार्ड द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह के ग्रामीण महिलाओं व किसान उत्पादक संगठनों के किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है और 36 स्वयं सहायता समूह व किसान उत्पादक संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सामान का प्रचार प्रसार करने के साथ ही इनकी समस्याओं का निवारण करना है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड का लक्ष्य है कि सतत और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सहभागी वित्तीय एवं गैर वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि हासिल करना है। या स्वयंसेवी संस्थाएं जो लोकल प्रोडक्ट को अपना बनाती हैं अपने स्तर पे, उनकी मार्केटिंग, डिस्प्ले एंड सेल, ये करने के लिए जो ये 14 से लेकर 18 तक एक दिवाली उत्सव नाबार्ड द्वारा लगाया गया है, इसमें हमारे जितने भी लोकल मेड प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। इन लोगों की आपस में इंटीग्रेशन कराएंगे, बेहतर मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और इनका जो ऑनलाइन जो है फर्दर जो मार्केटिंग में इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स जो इनको लोकल लेवल पे राम टेल की हैं या बाकी मार्केटिंग में है, उसमें बैठ के नाबार्ड के साथ डिस्कस करेंगे और ये इनके साथ ही बैठ के इनके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाएंगे ताकि इनको परमानेंट एक स्टेशन मिले कहीं पे भी। क्योंकि सेल सेंटर में तो आप मेलों में लगाते हैं, आपको मोबिलिटी करनी पड़ती है, आप जब तक आपका एक स्थायी निवास नहीं होगा कहीं पर, स्थायी सेल सेंटर नहीं होगा, तब तक आपके प्रोडक्ट कंटिन्यूटी में नहीं बिकेंगे। जैसे सिरमौर में शी हार्ट ऐप, उनको एक सेंटर मिला है तो हर महिला 2 साल में लखपति बन चुकी है। उसी यार से बाकी लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे नेशनल हाईवे हैं या हमारे जो टूरिस्ट सेंटर हैं, वहाँ पे एक इनका परमानेंट सेंटर होना चाहिए जहाँ पे फ्यूचर में भी अगर किसी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे ले सके। तो ये जो नाबार्ड का प्रयास है बड़ा सराहनीय है और इसमें जो हमारे स्थानीय लोग भारतवर्ष से सभी कोनों से आए, सभी को एक बूस्ट मिलेगा और इनकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी।